से कुछ न प्यारा बेटी को जो न चाहे जालिम है वो हत्यारा भगवान बेटी देना भगवान बेटी देना यही करो तुम्हारी कैसे बुला सके बेटी नजरों से दूर करके कैसे करूं विदाई कैसे भुला सकेंगे बेटी तेरी जुदाई नजरों से दूर करके तो बेटी दुनिया में बाप को माँ को सबसे प्यारी होती है पुत्रों से प्यारी होती है और पहले की बेटियां जब शादी होती थी तो डांट भी खाती सांटे भी खाती पिटाई भी उठती लेकिन कभी उल्टा नहीं बोलती थी और आज के हालात ये हो गए पहले बहू सास से डरती थी सास कैसी मिलेगी और आज सास को खतरा है बहू कैसी आएगी और मैं कहीं कह रहा था कि आज सबसे खतरनाक व्यापार है तो लड़के को प्यारा है लड़का शादी होके आप समझ लेना जेल किसी भी वक्त देखनी पड़ सकती है वैसे तो चाहे ना देखी लेकिन और कितने कितने आदमी देख रहे हैं दहेज के मुकदमे झूठे मुकदमे पड़े वो बेटी जो भारत की शांति जो भारत माता की प्रतीक थी वही बेटी ने चाल बदली फिर उसने हाल बदले और एक घटना से समझा दू एक बेटा बाप था बाप ने बच्चे को उसी तरह पाला जैसे टैगोर जी लिख रहे थे बेटी को पाला माँ बचपन में मर गई उसने दूसरी शादी नहीं करवाई कहा नहीं मेरे बेटा है तो मैं दूसरी शादी क्यों और उसको 3-4 साल के बच्चे को पालता 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 21-22 तक लाया और उसने बेटे की शादी कर दी बहू आई 1 साल के अंदर 1.25 साल के अंदर उस बहू ने एक बेटे को जन्म दे दिया बाप खुश हुआ मेरा पोता हो गया पोते की ख्वाहिश होती है शायद माँ से भी ज्यादा दादी को ख्वाहिश होती होगी हमारा पोता है खिलाऊं ख्वाहिश हुई एक पोता भगवान ने दे दिया और वो पोता 1 साल का हुआ था तब वो बेचारा बुढ़ा आदमी जो इतने इतने जिंदगी में परेशानियां उठा दो उठाते 3 साल के बाल को पालते खालते वहां आया था बुढ़ा हो गया था जुकाम हो गया खांसी हो गई शायद उसको टीबी हो गई होगी बलगम थूकने खांसी आती थूकते थे और उस बहू ने उसको कहना शुरू किया अपने आदमी को अपने उसको के बाद सुन या तो तेरे घर में तेरा बाप रहेगा या तो मैं रहूंगी दोनों नहीं रह सकते मेरे बेटे को टीबी लग गई तो बात करो साहब या तो इसको चलता कर दो वरना तो मैं अपने मायके जा रही हूँ अब बेटा बेचारा बीच में परेशान बहू की ना माने तो खतरा और बाप को कहे तो किस मुंह से कहो और बात चलती रही और आखिर में निर्णय लिया लड़के ने और जाके बाप को कहा कि पिताजी पिताजी आप ये घर छोड़ के चले जाओ मेरा परिवार बस जाएगा वरना तो ये जाएगी उसने साफ कह दिया वो आपके साथ नहीं रह सकती बाप तो बाप था उसने कितने याद आया 18-17 साल इसको किस तरह से पाल पाल के सब कुछ सारी ख्वाहिशें बेटे पर लगा के और इसको परवरिश दी थी और आज शादी करके ला 1.5 साल पहले तो कितनी खुशी थी तेरा परिवार बनेगा और आज का कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं बेटा भगवान तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे मैं जाऊंगा और मैं जाऊंगा नहीं अभी जा रहा हूँ चल पड़ा वो आदमी बाप चल पड़ा घर से बाप बेटे ने कहा पिताजी 1 मिनट ठहरो क्या ठहर गया बाप को गया और अंदर से सफेद कपड़ा रखा था वो ला के दिया कि पिताजी ये कपड़ा ले जाओ कि क्या करूं कहा पिताजी पता नहीं कहाँ जिंदगी बिताओगे कोई संभाले ना संभाले पिताजी ये आपके कफन के काम आ जाएगा आज बेटा कफन दे रहा बाप को जिंदा जी को बाप ने देखा कि बेटा ये तो 5 मीटर है कफन तो 2.5 मीटर का होता बाप ने फाड़ा पीछे कपड़ा और कहा बेटा ये तू रख ले कफन तो 2.5 मीटर का होता है ये मेरे क्यों बोलिया कहा मैं किस लिए कि बेटा तूने मुझे कफन तो दे दिया तेरा बेटा तुझे कफन भी नहीं देगा जा तब काम है आज की नारी इतनी गिर गई धर्म से 4 फेरों का भेद तो भूल गई बेईमाना चाहिए 1000 ख्वाहिशें चाहिए धर्म की ऐसी की तैसी और
मोक्ष जाने के बाद छोटी नरकों में पड़ के खुद भी पड़ते अपने परिवार को भी गिराएगी। ध्यान रखना मेरी बेटियों, में तुम्हें प्रार्थना, 68 साल का आदमी, एक डोली जा रही थी, पहले डोलियां चलती थी, 4 आदमी लेके चलते थे, कहार बोलते थे, डोली तो आज भी चलती, आज 4 रबड़ के पहियों पे चलती, गाड़ी में बैठ के जाती, उन दिनों कहारों के कंधों पे चलती थी। तो डोली लेके चले, एक जगह रुक गए, एक संत आ गया, कहा ठहरो बेटा, डोली ला, बेटी के दर्शन करूंगा, बेटी को आशीर्वाद दूंगा। रुकवा ली, पर्दा हटाया, देखा तो नई नवेली दुल्हन बैठी थी, बाबा जी ने आशीर्वाद किया, बेटा सदा स्वागत रहो। पर बेटा एक बात का ख्याल रखना, बाबा जी ने कहा उस लड़की को, दुल्हन को डोली में